كنت الدوا النايمي يا الخلايا النايمي اصحوا حالكم نحن راضين احنا I recognized Jerusalem as the capital of Israel. होया कि ये जो हमारे हाथ से निकला है कब्जे से पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दस यरूशलम अरब वापस नहीं ले सके थे कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने वापस लिया अरबों में दम नहीं रहा था अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेताब हो जाए फिर ये मामला होगा कि फिर यहां से अल्लाह के जवान निकलेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम निकलेंगे और मशरिक वस्ता में हिजाज मुकद्दस को और मुसलमानों के जो खोए हुए इलाके हैं उन सबको बाजियाब कराएंगे ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमलावर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौजी नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे और ये एलिया को वापस लेने वाले ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान जब यहां निजाम खिलाफत कायम होगा यहां से फौजें चलेंगी से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी उनका मुंह फेर न सकेगी यहां तक कि वो एलिया एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलम का नाम था यहां तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए और यहां से जानिब मशरिक हिंद और जानिब मगरिब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे संभल के चलो इस दियार में उम्मीद के चिराग जलाए हुए हिंदुस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा पूरा आलम इस्लाम आजाद हुआ कहीं नारा इस्लाम का नहीं लगा कहीं अरब कौमियत पर कहीं किसी और असलियत पर तहरीकें चली हैं सिर्फ तहरीक पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मैं तो जो अहवाल देख रहा हूं अलमलहमतुल उज़्मा जो है तुली खड़ी है इसी तरह अब ये 14 सदियों के बाद ये सदी जो 15वीं सदी है ये दर हकीकत ज़हूर इमाम मेहदी की सदी है लेकिन ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि यही वो दौर है और यही वो वक्त है और ये बात भी तो वाज़े हो जानी चाहिए कि इतना ज्यादा एविडेंस आ चुका है कि इस बात में कोई शक नहीं है कोई शुबा नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है कि लाहौर में बैठे हुए ये हमारे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम यही इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इज़्ज़त से अल्लाह की तौफीक से मदीना मुनव्वरा में होंगे वहाँ से निकाले जाएंगे लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे इनकार करेंगे भाग कर मक्का चले जाएंगे वहाँ से भी निकाले जाएंगे वहाँ पे भी जाहिर किए जाएंगे घर से निकाले जाएंगे अपने मुकाम से निकाले जाएंगे मक्का मौजमा में लाए जाएंगे खाना काबा के सामने ज़बरदस्ती बैत की जाएगी अब 15वीं सदी में हम हैं अब एक बात मैं कह रहा हूँ और वो मेरी ज़ाती राय है गुमान अंदाजा इसमें मुझसे इख्तलाफ करने का हर एक को हक है मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिले तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के जहूर का वक्त है महदी हम में से होंगे हमारे अहले बैत में से और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा
यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे अफगानी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इंकलाब अजीम बर्पा कर देगा। मेरे नजदीक इमाम महदी पैदा हो चुके। इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन एक कार्ड मुझे मिला था तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद अबू दाऊद का रिवायत का हवाला मौजूद था। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दद अल्फ सानी, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज पाकिस्तान। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली। मले नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म हमारे यहां चली तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मोजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में। इसका बरकरार रहना अभी तक मोजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझते थे कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर यह कि इसका करारदाद मकासिद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफा दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याहिया ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम महदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह कायम हुई। नोट कर लीजिए 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के, और 1913 में जब हिजबुल्लाह कायम किया उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर यह कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबील जो है इस काम की वो अबुल कलाम ने की, लेकिन रिवायती उलमा की शरीर मुखालफत की वजह से वो बदबिल होकर छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, बिसात जो है हिजबुल्लाह की उन्होंने लपेट दी। फिर मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने वो डोर जो है उसका सिरा थामा, जमात इस्लामी कायम की, हुकूमत इलाहिया ही के क्याम के लिए, अगरचे मेरे नजदीक ये कि वो इंतखाबी और एक कौमी सियासत की एक जमात बनकर पाकिस्तान में जो है दलदल में फंस गई है, अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं तंजीम इस्लामी और ये तहरीक खिलाफत जिसके तहत ये जलसा हो रहा है, ये सारी चीजें वो हैं कि आपको सिवाय पाकिस्तान के और कहीं नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया। मालूम होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें।